पठानकोट एयरबेस हमले पर एनआईए ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। 101 पन्नों की इस चार्जशीट में जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर, उसके भाई रऊफ असगर, शाहिद लतीफ और कासिम जान का नाम शामिल है। सूत्रों के मुताबिक चार्जशीट में बताया गया है कि किस तरह मसूद अजहर ने जनवरी में पठानकोट हमले पर हमले की साजिश रची। इसका मकसद वायुसेना के जवानों को मारना और वहां मौजूद हथियारों और अन्य सामानों को तबाह करना था। एनआईए के पास चारों आतंकवादियों की आपस में की गई बातचीत, उनके पते, परिवार वालों की जानकारी, अल रहमत ट्रस्ट के फाइनेंशियल डिटेल्स मौजूद हैं। इनके अलावा सबूतों में जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के हजारों मैसेज, चैट्स, उनकी आवाज के नमूने भी हैं। आपको बता दें कि इसी साल 2 जनवरी को तड़के पंजाब के पठानकोट में पठानकोट वायुसेना स्टेशन पर भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने हमला बोल दिया था। आतंकवादियों से मुठभेड़ में 7 जवान शहीद हो गए थे जबकि 37 लोग घायल हुए थे। वही इस दौरान हुई मुठभेड़ में सभी आतंकवादी मारे गए थे। तो एनआईए ने पठानकोट हमले में चार्जशीट दायर कर दी है। माना जा रहा है कि चार्जशीट के बाद भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र में मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करवाने के लिए और दबाव बना सकती है। भारत सरकार इसके लिए कई बार कोशिश कर चुकी है लेकिन हर बार चीन भारत की कोशिश पर पानी फेर देता है। देखते रहिए डीबी लाइव।